भोपाल में शीत लहर के साथ सीवियर कोल्ड डे, स्कूलों में पांचवीं तक दो दिन छुट्टी, चार दिन बाद और बढ़ेगी ठंड। प्रदेश में भोपाल सहित 13 शहर शीत लहर की चपेट में हैं। राजधानी में लगातार दूसरे दिन सोमवार को सीवियर कोल्ड डे रहा। रविवार रात नए साल की सबसे सर्द रात रही, तापमान 6.4 डिग्री पर पहुंच गया, यह सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। सोमवार को दिन में पारा 19.3 डिग्री पर रहा। कलेक्टर सुदाम पी खाड़े ने नर्सरी से पांचवी क्लास तक स्कूलों में दो दिन तक छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही सुबह 9 बजे के बाद 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को लगाने को कहा है। आज खिली है धूप। पूरे प्रदेश में मंगलवार की सुबह से मौसम साफ है व धूप खिली है, लेकिन हवाएं ठिठुरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य में ठिठुरन बढ़ी है और तापमान में भी गिरावट आई है। कई स्थानों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे ठंडा उमरिया रहा, जहां तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 5.6, ग्वालियर का 3.8 और जबलपुर का न्यूनतम तापमान 4.4 सेल्सियस दर्ज किया गया। इन 9 शहरों में पाले जैसे हालात, पारा 3 से 4 डिग्री के इर्द गिर्द रहा। बैतूल, दतिया, नौगांव और खजुराहो में रात का तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। गुना, सागर, दमोह, रतलाम और शाजापुर में रात में पारा 4 डिग्री के इर्द गिर्द पहुंच गया। इन सभी 9 शहरों में पाले जैसे हालात रहे। समझे क्या होता है पाला और इससे फसलों का क्या नुकसान। जब तापमान 4 डिग्री या उससे कम हो तो पानी जमने लगता है, इसे पाला पड़ना या ग्राउंड फ्रॉस्ट कहते हैं। ऐसे हालात में पौधे के अंदर का पानी कम तापमान कम होने से जम जाता है। इससे पौधे के स्टोमेटा यानी रोम छिद्र भोज्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया कम या खत्म कर देते हैं। इस वजह से पौधे का जीवन तक समाप्त हो जाता है। डॉक्टर एमएस परिहार, प्रमुख वैज्ञानिक फल अनुसंधान केंद्र, ईखेड़ी। दो दिन बाद दिन में थोड़ी राहत, लेकिन शीत लहर चलती रहेगी। मौसम केंद्र के अनुसार 31 जनवरी से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। 2 फरवरी से तापमान में और कमी आएगी एवं शीत लहर की स्थिति भी बनने की संभावना है। इस दौरान कई शहरों में पाला भी पड़ सकता है। बर्फीली हवा की यह है वजह। मौसम वैज्ञानिक AK शुक्ला ने बताया कि उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद वहां बर्फ पिघली है, उसके बाद वहां से बर्फीली हवा आ रही है, इस वजह से हमारे यहां रात के तापमान में गिरावट हुई। इस वजह से भोपाल, ग्वालियर, गुना, खजुराहो, शाजापुर, रतलाम, धार, खंडवा, राजगढ़, बैतूल, दमोह, सागर, नौगांव शीतलहर की चपेट में हैं।